ओम वंदे गौमातृ। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं घुटने बदलवाने के विषय में, यानी कि नी रिप्लेसमेंट। आज ये समस्या बहुत आम होती जा रही है, लोगों की समस्या बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। और हम देखते हैं कि ऑपरेशन करवाने के बाद कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बिस्तर ही पकड़ जाते हैं, अर्थात फिर वो खड़े नहीं हो पाते, उनके घुटने में इतनी समस्या बढ़ जाती है। मित्रों, घुटने बदलवाने का कारण कोई भी हो सकता है, जैसे उसमें गादी कुछ हड्डी बढ़ जाना, गादी सरक जाना, मोटापा भी होता है, कई बार बहुत सारे कारण होते हैं। तो हम कारणों पर नहीं जाते हैं, आपको सबसे पहला ये करना है कि आपको घुटना बदलवाने को जो कहा गया उसमें कारण कोई भी हो, हर कारण पे हमारा समाधान आपके लिए लागू होगा। बस आपको करना इतना साथ में है कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो नियम पालन के, स्वास्थ्य नियम के जो वीडियोस दिए हैं हमने, उसको आप पूरा देखें, उसका कम से कम स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करना आरंभ कर दें। उसके बाद हम जो आपको प्रयोग बताने जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई ये कहता है कि हमसे प्राणायाम नहीं होता, हमसे व्यायाम नहीं होता। हाँ, पर आप पूरा समाधान चाहेंगे तो आपको प्राणायाम और व्यायाम करना ही होगा, पर कुछ व्यायाम आपको साथ में हम छोटे छोटे बता देंगे, ताकि वो बता दें कहाँ आपको मिल जाएंगे, तो आपको करेंगे तो आपको समाधान जल्दी मिल जाएगा। अब आपको करना क्या, कुछ खाने पीने की चीज़ हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले एक ग्लास दूध लीजिए, एक ग्लास दूध यानी कि करीब 250 ml। आजकल ग्लास छोटे छोटे होते हैं तो लोग छोटे ग्लास में काम चलाने की कोशिश करते हैं, वो काम नहीं करना है, दूध आपको अच्छे से लेना है। और ये प्रयोग आप रात को करेंगे, सोने से पहले आप कर सकते हैं, सोने से पहले आप इस दूध को ले सकते हैं। करना क्या है, आपको एक ग्लास दूध लेना है, उसमें 2 चम्मच से 3 चम्मच, चाहे तो 4 चम्मच भी डालें, आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितनी जल्दी समाधान चाहते हैं और आप कितना घी हजम कर पाते हैं। पचाना जरूरी होता है, तो आप 2 से 4 चम्मच घी उस ग्लास के दूध में डालेंगे, और उसमें गर्म दूध लेना है आपको, और उस दूध में गाय का दूध हो तो अच्छा है, नहीं तो भैंस का हो कोई दिक्कत नहीं है, पर गाय का घी हो, देशी गाय का घी हो तो ज़्यादा अच्छा है, और ना मिले तो आपको जो जहाँ से अच्छा उपयुक्त घी मिले वहाँ से आप ले सकते हैं। तो आप घी ले लीजिए, उसमें घी डाल लीजिए, उसमें आपको 2 चुटकी, ज़्यादा नहीं, 2 चुटकी हल्दी डालनी है, 1/2 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण डालना है, 1/2 चम्मच शतावरी चूर्ण डालना है, और उसमें एक थोड़ा सा शिलाजीत यदि आप पतंजलि का लाते तो लिक्विड ले आएं, और उसमें जो माचिस की कांडी जो होती है ना, माचिस की तीली, उसमें आगे कितना होता है वो काला काला भाग, बस उतना ही आपको शिलाजीत उस दूध में डालना है। और इस दूध को आपको मिलाना है कैसे, 2 ग्लास लीजिए और 2 ग्लास में ऐसे आपको फेंट के इसको पीने योग्य ठंडा बनाना है। यदि आप इसको मीठा करना चाहते हैं तो इसमें आप बोरा या देशी खांड कुछ भी डाल सकते हैं, पर हाँ, ध्यान रहे चीनी ना डालें, चीनी विष हो सकती है आपके लिए, चीनी अच्छी नहीं होती है, तो चीनी का प्रयोग ना करें, तो आप बोरा या देशी खंड का प्रयोग करें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। उससे आप इसको मीठा करेंगे और ये दूध आप पी लीजिए, कैसे भी पी लीजिए, ये आप पियेंगे, ये आपके जोड़ों के दर्द में, आपके खासकर घुटने के दर्द में और कोई भी जोड़ों के दर्द में आपको बहुत अच्छा आराम देगा। उसके अलावा आप एक प्रयोग साथ में और कर सकते हैं, आप अखरोट फोड़ लीजिए, उसकी बीच की जो गिरी होती है, गिरी बोलते हैं उसको, जो उसका गूदा कहो गिरी कहो, क्योंकि गूदा लिक्विड में माना जाता है, तो ये जो कठोर ये बंधा हुआ होता है इसलिए हम इसको गिरी कहते हैं। तो जो अखरोट के अंदर का जो हिस्सा होता है उसको निकाल, क्योंकि बहुत से लोग वो सवाल करते हैं गिरी क्या होता है, तो भी प्रश्न आते हैं तो हम पहले आपको स्पष्ट कर दें कि पहले प्रश्न आ चुका है। तो अखरोट आप ले लीजिए, 2 अखरोट सुबह आप जल में भिगा दीजिए, सुबह यानी कि करीब दोपहर के आसपास भिगाइए, सुबह मत भिगाइए, 6 से 8 घंटे आपको भिगाने हैं, उसके बाद आप उसको शाम को सेवन कर लीजिए, उसके ऊपर दूध पी सकते हैं, और रात को भिगा दीजिए और आप 2 अखरोट सुबह सेवन कर लीजिए। रोज के आप 4 अखरोट सेवन करिए, पर भिगा के कम से कम 6 घंटे और 8 घंटे भिगा सकते हैं, क्योंकि और छिलके के साथ ना भिगाए, और यदि हो सके तो इसको आप पीस के भी भिगा सकते हैं, दिक्कत नहीं आती है, पर हाँ यदि आप इसको टुकड़े छोटे छोटे करें ताकि ठीक से ये भीग जाए, क्योंकि अखरोट के बार भीगता नहीं है, तो हो सके तो थोड़ा गुनगुने पानी में भिगा देंगे तो चलेगा। तो और इसका जो पानी आप फेंक भी सकते हैं और धो के भिगाते हैं तो आप पी भी सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप अखरोट लीजिए, ये अखरोट जो है ये आपके जोड़ों के लिए बहुत अक्सर काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, और आप इसको देखेंगे कि यदि आप स्वास्थ्य नियम का पालन करें और साथ में ये कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपके घुटने हफ्ते भर में धीरे धीरे, हफ्ते भर में आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा। और हाँ, एक पॉइंट और आपको बता दूं, आपके हाथ में आपका पूरा शरीर है, हमने कई बार ये बात बताई है, तो ये आपकी गर्दन है, बाहर की तरफ दोनों हाथ हैं और अंदर की तरफ दोनों पैर हैं, ये हम कई बार बता चुके हैं। तो आपको ये जो दोनों उंगलियां हैं यहाँ पे, ये जो पहला जो जॉइंट है, ये आपके घुटने के पॉइंट होते हैं, दोनों हाथों में आपको, दोनों हाथों में ये जो है ना, ये घुटने के पॉइंट आपको मिलेंगे, ये जो फोल्ड है यहाँ पे, ये घुटने के पॉइंट है। अब आप इसको आप यहाँ पे ऐसे दबा भी सकते हैं,
और ये करीब इस तरीके से आप इसको दबा सकते हैं इस तरीके से, और थोड़ा ऐसे गोल गोल भी घुमा सकते हैं। तो आपको अपने हाथ से करेंगे तो समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अपने हाथ से आप इतना नहीं करेंगे कि आपको यहाँ पे कुछ समस्या आ जाए। तो एक हाथ में एक दिन कर लिया, दूसरे हाथ में दूसरे दिन कर लिया, ऐसे आप करेंगे। और इस पर विस्तार से जानना है तो हमारी प्लेलिस्ट है मजबूत जोड़, उसमें हमने इस पर पूरा डिटेल में वीडियो और दिया कि आप कैसे वहां पट्टी वट्टी लगा सकते हैं, कैसे और क्या कर सकते हैं। ये होता क्या है, आपको शॉर्ट में समाधान चाहिए होता है, और शॉर्ट में कोई चीज नहीं होती, सफलता के लिए कभी शॉर्टकट नहीं होता। और यदि आप स्थायी समाधान, पक्का समाधान चाहते हैं तो नियम पालन, प्राणायाम भी करिए और व्यायाम भी करिए। व्यायाम के लिए यदि आप देखेंगे तो हमारी प्लेलिस्ट हलन चलन व्यायाम, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है, वो हमने सूक्ष्म व्यायाम कुछ दिए हुए भाग एक और भाग दो, उसके वीडियोस का यदि आप पालन करते हैं तो आपके घुटनों की एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, जिससे आपके घुटनों को आराम मिलेगा। मित्रों बहुत छोटी छोटी बातें हैं, करेंगे तो बहुत जल्दी आप घुटना बदलवाने से बाहर निकल पाएंगे। और वजन बढ़ाए तो वजन घटाइए, क्योंकि वजन घटाएंगे नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिए, घुटने बदलवाने के बाद भी बढ़ा हुआ वजन आपको फिर से परेशान कर जाएगा। और जो यदि आप गलतियां नहीं सुधारते, आदत नहीं सुधारते, तो घुटने बदलवाने के बाद फिर से आपको कुछ ना कुछ नई समस्याएं खड़ी होती चली जाएंगे। इसलिए अपने आप की अपनी आदतों को सही करिए, ना कि कुछ और चीजें अपनाइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने मित्रों को बताइए, और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करिए। और एक बात, यदि कोई प्रश्न है तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, या इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां आप हमें प्रश्न कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।